का शहीद दिवस है। खुदीराम बोस हमारे भारत के बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे और सबसे ज़्यादा जो उन्हें जाना जाता है वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले युवा थे। इनकी जब इन्हें फांसी पर लटकाया गया तब इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। अब इनके जन्म के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही कम उम्र में इनके माता पिता से इनका साथ बिछड़ गया और इनकी जो बड़ी बहन थी उन्होंने इनको पाला था। इन्होंने मात्र 9th क्लास तक की पढ़ाई करी और 9th के बाद में इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि इनमें देशभक्ति की भावना इतनी ज़्यादा थी, ये अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। जन्म इनका 3 दिसंबर 1989 में हुआ था, लेकिन ये 9th पास करने के बाद में जितनी भी हमारे देश को स्वतंत्रता कराने के आंदोलन थे उसमें ये इतना सक्रिय हो गए। जैसे कि पहले एक वो सत्येंद्र बोस जो थे वो पर्चे बांटते थे वंदे मातरम के, तो वो पर्चे बांटने पे भी अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि उनसे ये कार्यवाही जो कर रहे हैं भारत आज़ाद होने के लिए जो कार्यवाही कर रहा है, तो वो क्या करते थे कि वो ये सब गतिविधियाँ संचालित नहीं करने देते थे। तब भी इनको पकड़ने की कोशिश की गई क्योंकि सत्येंद्रनाथ बोस के जो पर्चे थे उनको पकड़ रहे बांट रहे थे सब लोगों में, तो इनको एक पुलिस अफसर ने जब पकड़ा तो ये इतने निर्भीक थे, इतने साहसी थे, इन्होंने उस पुलिस अधिकारी के मुंह पे ही मुक्का मारा और भाग गए। ऐसे ही तो चूंकि इतने सक्रिय थे और इतने बहादुर थे, तो एक जब बंगाल विभाजन की घटना के बारे में आपने सुना होगा, कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो कई लोग बहुत नाराज हुए और किसी को भी बंगाल का विभाजन करना पसंद नहीं आया, तो लोगों ने क्या करा कि बंगाल विभाजन का विरोध करा। तो विरोध करने के कारण क्या हुआ कि जो भी लोग विरोध कर रहे थे उनके ऊपर जो जज थे उन्होंने उनको, जो विरोध करने वाले लोग थे उनको कठोर दंड दिया। इससे लोगों में और गुस्सा आ गया, तो लोगों ने क्या सोचा कि हम अब इस मजिस्ट्रेट को मार डालेंगे, मजिस्ट्रेट को मार डालें, लेकिन इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? साहसी युवाओं की। तो इस इनको चुना गया, प्रफुल्ल को चुना गया और साथ में खुदीराम बोस को चुना गया क्योंकि ये दोनों बहुत ही साहसी थे। तो सबसे पहले तो क्या करा इन्होंने कि जब मजिस्ट्रेट को मारना था तो उस मजिस्ट्रेट अच्छा देखिए कि भारत के भारतवासियों को तो दुख हुआ और भारतवासी इसके खिलाफ हो गए कि बंगाल का विभाजन क्यों किया जा रहा है, लेकिन जो अंग्रेज हमारी शासन था तो अंग्रेज शासक जो थे वो बहुत खुश हुए उसके मजिस्ट्रेट के इस डिसीजन से और उन्होंने उसका प्रमोशन करके उसको भेज दिया मुजफ्फरपुर। पहले कहाँ थे वो? बंगाल में, लेकिन उन्होंने उसको कहाँ भेज दिया? बिहार के मुजफ्फरपुर में। जब वो मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर चला गया और ये दिनांक तय की गई कि 30 अप्रैल को उस मजिस्ट्रेट को मारना निश्चित है, तो मजिस्ट्रेट को मारने के लिए खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल को चुना गया और इनसे कहा गया कि 30 अप्रैल को आपको इन्हें मारना है और उसके लिए इनको एक बम और एक पिस्तौल दी गई। अब चूंकि इनको मारना था, एक ही काम था और मारना केवल उसी मजिस्ट्रेट को था, तो इन्होंने कहा कि ऐसी जगह पे क्यों मारें हम कि जहाँ पर और भी लोग मारे जाएं, तो इसलिए मारेंगे तो ऐसी जगह पर मारेंगे जहाँ पर कि वो अकेला हो। इन्होंने क्या किया कि उसकी कोठी के आसपास निगरानी शुरू कर दी। अब दिन में भी ये घूमते रहते थे तो पुलिस वालों ने देखा कि ये यहाँ पर कोई दो संदिग्ध लोग घूमते हैं, जब उन्होंने भगाया तो ये झाड़ियों में छिप गए, तो वो समझ गए कि जरूर ये किसी न किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं, तो वो भी सतर्क हो गए और उस मजिस्ट्रेट की उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी। अब उन्होंने तय दिन था 30 अप्रैल की शाम का दिन 8:30 बजे के करीब, क्योंकि वो कोठी के पास का ही एक क्लब था जहाँ पर कि वो खेलने जाया करते थे, तो उन्होंने कहा कि जब ये क्लब से खेल कर आएंगे अपनी कोठी पर तो ये निश्चित रूप से अकेले होंगे और उसी वक्त हम इनको मार देंगे। तो दिन के समय में भी रहते हुए इन्होंने पहचान लिया था कि उसकी जो बग्घी रहती है वो लाल रंग की रहती है, उसके घोड़े को भी पहचान लिया। अब चूंकि रात का समय था, आप सोचिए उस समय पर इतना उजाला भी नहीं होता था, इतनी लाइटें कहाँ होती थी, तो अंधेरे के समय पे जैसे ही उन्होंने सोचा कि आ रहे हैं ये मजिस्ट्रेट, उन्होंने
लाल रंग की रफ्ती आते हुए देखा और उन्होंने तुरंत उस पर बम फेंक दिया। बम फेंक दिए और ये भाग गए। उन्होंने सोचा कि वो मजिस्ट्रेट मर गया और हमारा जो काम उनको दिया गया था टारगेट वो पूरा हो गया। और फिर इसके बाद में दोनों प्रफुल्ल और ये खुदीराम बोस दोनों भागते भागते 24 मील की दूर के एक स्टेशन पर जाकर बैठ गए। अब चूंकि वो मजिस्ट्रेट तो नहीं मारे गए उस समय पे, एक्चुअल में वो किसी कारण से क्लब में रुक गए और वो जो लाल बग्घी थी उसमें एक विदेशी महिला थी कैलरी और वो और उसके साथ में उसकी बेटी थी। वो दोनों उस लाल बग्घी में आ गए लेकिन इन्होंने समझा कि मजिस्ट्रेट मारा गया, लेकिन फिर बाद में इनको भी पता चल गया कि वो कोई लेडी थी और उसकी बच्ची थी, दोनों मारी गई। अब जब ये भागकर स्टेशन पहुंच गए वहां पर पुलिस पूछा करती हुई आई तो पुलिस को तो पता ही था क्योंकि उन्होंने सवेरे से उनको देख लिया था और भगाया भी था, वो झाड़ियों में छुपे थे तो पुलिस तो इनको जानती थी। पुलिस इनके पीछे दौड़ती दौड़ती पहुंच गई और स्टेशन पर जाकर उन्होंने पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा। लेकिन चूंकि तुमको पहले ही बताया कि उनके पास एक बम भी था और एक पिस्तौल भी थी, तो वो जो पिस्तौल थी उससे प्रफुल्ल ने तो जब देखा कि पुलिस मुझे पकड़ रही है तो उसने खुद अपने आप को गोली मार ली। लेकिन खुद ही राम जो है पकड़े गए और उन्होंने तुरंत कबूल भी कर लिया कि हाँ हम तो उसको मारने वाले थे, लेकिन वो जो महिलाएं थी हमको उसको मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो तो निर्दोष थी, हमको उसको नहीं मारना था, हमको तो मजिस्ट्रेट को मारना था और कोई किसी प्रकार का डर नहीं। पकड़ भी लिया तब भी वंदे मातरम चिल्ला रहे इस तरीके से कर रहे थे। फिर उनको पकड़ के जेल में ले जाया गया और ऐसा पहली बार हुआ कि कोई भी बड़ा डिसीजन होता है और यहाँ तक कि जब किसी को इतनी बड़ी सजा दी जाती है, मौत की सजा दी जाती है, तो इतनी जल्दी कोर्ट ज़्यादा दिनों तक चलती है, लेकिन इनके समय पर मात्र 8 जून से 13 जून 5 दिन चली और सरकार ने निर्णय दे दिया कि इनको फांसी दी जाएगी, मौत की सजा सुनाई जाएगी। मौत की सजा सुनने के बाद में भी इनके ऊपर कोई उसका असर नहीं हुआ और उन्होंने हंसते हंसते कबूल कर लिया, वंदे मातरम बोलने लगे। फिर इसके बाद में जब उनकी तिथि तय हुई कि 12 अगस्त को उनको फांसी दी जाएगी तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उस चीज का कोई किसी प्रकार का डर नहीं, वो मजिस्ट्रेट का कहना था कि जिस दिन फांसी भी दी जा रही थी उस दिन भी जब वो खुदीराम बोस चल के आ रहे थे तो एक शेर की तरह चल के आ रहे थे, इतने बहादुर थे, 18 साल की उम्र और जिसको फांसी दी जा रही है जरा भी शिखन नहीं, और वो भगवद गीता अपने हाथ में लेकर आए और उन्होंने फांसी के लिए स्पेशली उन्होंने एक धोती सिलवाई थी, एक धोती बनवाई अपने लिए। और धोती जैसे कि हम जब कोई त्यौहार मनाते हैं तो हम नया कपड़ा पहनना चाहते हैं, जब हम दुखी होते हैं तब हम नया कपड़ा नहीं पहनते, लेकिन उन्होंने फांसी को भी एक उत्सव के रूप में मनाया और उन्होंने स्पेशली एक धोती तैयार करवाई और उस धोती को पहनकर वो फांसी पर चढ़े। भगवद गीता हाथ में थी और उनका खुदीराम बोस ने वो नारा बोलते हुए सरफरोशी की तमन्ना हमारे और देखना है जो कितना और हंसते हंसते इस 12 अगस्त को वो शहीद हो गए, भारत की 11 अगस्त को वो शहीद हो गए और इस तरह से हमारे देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण हंसते हंसते निछावर कर दिए। तो इसलिए हमको उनको एक क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं और इतने बहादुर नेता थे हमारे उनके रूप में जानते हैं, युवाओं को उनसे हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। कई बार आप छोटे छोटे से काम की हिम्मत नहीं कर पाते हैं लेकिन उन्होंने इतने इतने बड़े काम जो कि देश की रक्षा के लिए उनको सौंपे गए वो उन्होंने करे, तो ऐसे बहादुर खुदीराम बोस को हम नमन करते हैं।